स्टूडेंट आई एम अनिल कुमार फ्रॉम प्रहलाद स्वरूप सरस्वती विद्या मंदिर सीनियर यू आर गोइंग टू लर्न इन दिस हाउ टू सोल्व एक्टिव पैसिव इन सेंटेंस यू विल वॉच दिस वीडियो केयरफुल्ली आई होप ले स्टार्ट स्टूडेंट यहाँ पर देखिए कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंस टू थाउजेंड ट्वेंटी वन के लिए मैंने कुछ लिए हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस है आपको सोल्व करने हैं पैसिव वॉइस में डज ही वॉश हिज क्लॉथ्स क्या वह अपने कपड़े धोता है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है तो ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पर हमारा हिज क्लॉथ्स प्लुरल ऑब्जेक्ट है तो शुरू में डू डच के स्थान पर हम यूज करेंगे ईज एम आर तो अकॉर्डिंग टू हिज क्लॉथ्स होगा आर आर हिज क्लॉथस बाज्ड थर्ड फोन यूज करेंगे आर हिज क्लॉथ्स बाज्ड बाय हिम इंटेरोगेटिव ही बनेगा नेक्स्ट देखेंगे डी डे फ्लाई ए काइट क्या वे क्या उन्होंने पतंग उड़ाई तो ये आपका पास्ट इंडेफिनिट में है इंटेरोगेटिव सेंटेंस तो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट एकाइट एकाइट के अकॉर्डिंग वाज्य वर्क का प्रयोग होगा तो वाज एकाइट फ्लाई की थर्ड फॉर्म फ्लॉन वाई देम नेक्स्ट बिल ही हेल्प मी विल ही हेल्प मी क्या वह मेरी सहायता करेगा फ्यूचर इनडेफिनेट तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर मी अब अकॉर्डिंग टू मी यानी कि मी का जो सब्जेक्ट होगा वो आई होगा आई के अकॉर्डिंग शुरू में सेल यूज होगा तो सेल आई हेल्प्ड बाई हिम नेक्स्ट हैव दे नोट सट द डोर अब देखिए हैव द नोट यहाँ पर आपकी थर्ड फॉर्म है ये पास्ट परफेक्ट का है हैड द नोट सट द डोर हमारा जो ऑब्जेक्ट है द डोर तो द डोर के अकॉर्डिंग आएगी सिंगुलर सब्जेक्ट हैज हैज द डोर नोट सट वाई देम सट की तीनों फॉर्म एक होती हैं नेक्स्ट सेल वी हैव वॉस्ड टी वी क्या हम टी वी देख चुके होंगे आपका फ्यूचर परफेक्ट का सेंटेंस है तो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट आपको सेल या बिल का प्रयोग करना है टी वी यहाँ पर आई और बी के साथ सेल यूज करेंगे तो टी बी के अकॉर्डिंग यहाँ पर बिल का यूज होगा विल टी वी हैव बीन बॉज्ड बाई देम हैज बिन हैव बिन पैसिव में यूज होता है विल हैव बिन सेल हैव बिन तो विल टी वी हैव बीन वॉज्ड बाई बी का ऑब्जेक्ट अस नेक्स्ट देखेंगे अब देखिए दूसरा जो ग्रुप है हमने लिया है मॉडल वर्ब्स ऐसी सेंटेंस जिनमें मॉडल वर्ब यूज होती हैं उनकी पैसि कैसे बनाते हैं तो कैन यू राइड ऑन द हॉर्स क्या तुम घोड़े पर सवार हो सकते हो राइड ऑन राइड के साथ ऑन का प्रयोग किया जाता तो आपका जो सेंटेंस है प्रत्येक मॉडल में कैन बी मे बी इनका प्रयोग किया जा सकता किया जाता है और बिल और मस्ट बिल बी और मस्ट बी तो पहला जो सेंटेंस है कैन यू राइड ऑन द हॉर्स क्या तुम घोड़े पर सवार हो सकते हो तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो है द हॉर्स ऑब्जेक्ट है हमारा द हॉर्स तो हमारा ऑब्जेक्ट है द हॉर्स तो कैन द हॉर्स बी राइडन ऑन यू नेक्स्ट मे आई यूज योर पेन क्या मैं तुम्हारा पेन रियोग कर सकता हूँ उपयोग में ला सकता हूँ तो मे योर पेन बी यूज बाई मी यहाँ पर माइक जो आई है इसका बाई के साथ मी हो जाएगा ऑब्जेक्ट तो ये होगा मे योर पेन बी यूज बाई मी नेक्स्ट देखेंगे नीड देट सॉल्व दिस पेपर क्या उन्हें इस पेपर को सोल्व करने की आवश्यकता है तो अब इसका आपको पैसिव चेंज करना है तो नीड दिस पेपर बी सोल्व बाई देम प्रत्येक मॉडल वर्ब के साथ हम प्रयोग करेंगे बी का नेक्स्ट विल यू बीट मी क्या तुम मुझे पीटोगे? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है क्योंकि ऑब्जेक्ट है हमारा मी अब मी के अकॉर्डिंग आएगा शुरू में सेल सेल आई बी बी टन वाई यू या क्योंकि ये आपका जो सेंटेंस है वो फ्यूचर इंडेफिनिट का है नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट सेंटेंस भी इंपॉर्टेंट है मस्ट बी ओबे ट्रैफिक रूल्स क्या हमें ट्रैफिक नियमों का यातायात नियमों का पालन करना चाहिए तो जो हमारा ऑब्जेक्ट है यहाँ पर ट्रैफिक रूल्स क्या है ट्रैफिक रूल्स है तो ट्रैफिक रूल्स को सब्जेक्ट बनाएंगे लेकिन मस्ट का प्रयोग स्टार्टिंग में होगा क्योंकि ये मॉडल वर्ग में साथ बी का प्रयोग होता है तो पहले मॉडल वर्ग उसके बाद न्यू सब्जेक्ट उसके बाद वी का प्रयोग होता है तो हमारा जो सेंटेंस बनेगा मस्ट ट्रैफिक रूल्स बी ओबेड वाई अस बी का ऑब्जेक्ट अस नेक्स्ट में देखते हैं इसमें लिखा है क्वेश्चन वर्ड विद नाउन अब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन वर्ड हैं जो अपने साथ नाउन का प्रयोग लेते हैं तो पहला है बिच पेन डू यू लाइक मोस्ट तुम कौन सा पेन अधिक पसंद करते हो अब देखिए इसमें लिखा है डू डू यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट तो हम देखेंगे जब हम इसकी पैसिव बनाएंगे तो बीच पेन एक साथ लिखेंगे बीच पेन हमारा यहाँ पर एक तरह से ऑब्जेक्ट भी है बीच पेन कौन सा कलम अब उसके बाद दिया है डू यू लाइक मोस्ट तुम पसंद करते हो यानी कि कौन सा पेन तुम्हारे द्वारा पसंद किया जाता है तो बिच वैन बिच पेन पेन सिंगुलर सब्जेक्ट है इसका प्रयोग होगा बिच पेन इज लाइक्ड मोस्ट लाइक की लाइक्ड हो जाएगी बाय यू तो बिच पेन इज लाइक्ड मोस्ट बाय यू नेक्स्ट हाउ मच मनी डू यू हैव तुम कितना धन रखते हो या हैव नीचे लिखा हुआ है हाउ मच मनी डू यू हैव तुम्हारे पास कितना धन है तो जब हम इसकी पैसिव बनाएंगे तो हमें हाउ मच मनी को एक साथ लिखेंगे और हाउ मच मनी कितना धन अब यहाँ पर कितना धन तुम्हारे द्वारा रखा जाता है तो हाउ मच मनी इज अब हैप की थर्ड फॉर्म हेड होगी वाई यू यानी तुम कितना धन रखते हो नेक्स्ट हु अरेस्ट अरेस्टेड अब यहाँ अरेस्टेड है Who will have अरेस्टेड ये जो हैव है यहाँ पर आएगा हु arrested द थीप तो इसके सही कर लेंगे करेक्शन है इसमें तो the thief चोर को कौन गिरफ्तार कर चुका होगा तो अब ऐसे टेंस ऐसा जो सेंटेंस है आपका यानी कि ये आपका फ्यूचर परफेक्ट का सेंटेंस है तो बाई हुम हु को बदलते हैं बाई हुम अब उसके बाद आएगा किसके द्वारा अब इसके में बाई होम अब बाई हुम के अकॉर्डिंग जो हेल्पिंग वर्ब है बिल अब इसमें बिल हैव बीन तो बिल और सेल को पहले लिखेंगे तो बाई हुम बिल द थीप हैव बीन अरेस्टेड यहीं पर लिखा जाएगा बाई हुम किसके द्वारा बिल द thief क्स्ट देखेंगे हुए कौन पुकारता है यानी के प्रजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है तो लिखेंगे हु को कन्वर्ट करते हैं इसमें गाइज बाई हु तो स्टूडेंट देखेंगे बाई हुम किसके द्वारा अब हमारा जो सब्जेक्ट है जो न्यू बनकर आने वाला है यू यू के अकॉर्डिंग लिखेंगे आर आर यू कॉल्ड बाई हुम किसके द्वारा आर यू कॉल्ड क्वेश्चन मार्क प्रत्येक में लगेगा नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट में है आपका व्हाई हैव यू नॉट अलाउड द बॉय टू गो होम वाई क्यों हैव यू नॉट अलाउड तुमने अनुमति नहीं दी है द बॉय लड़के को टू गो होम घर जाने की तो अब ऐसे सेंटेंस में हम क्या करते हैं तो सबसे पहले जो क्वेश्चन वर्ड है वही आएगा क्वेश्चन वर्ड वाई उसके बाद किसको अनुमति दी गई तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर वो है द बॉय तो उसके अकॉर्डिंग देखेंगे ये सेंटेंस है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का तो वाई हैज बॉय हैज आएगा क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है बॉय हैज बॉय नॉट अलाउड टू गो होम अब यहाँ इन्फिनीटिव है इसे चेंज नहीं करेंगे टू गो होम सेम लिखेंगे तो बाय वाई हैज बॉय नॉट टू गो होम बाई यू का ऑब्जेक्ट यू तो सही करेक्शन होगा वाई हैज़ दॉय नॉट अलाउड टू गो होम बाई यू नेक्स्ट देखेंगे अब कुछ एग्जाम्पल और लिए हमने इसको जरा ध्यान से देखेंगे यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन बर्ड को यहाँ पर हमने सॉल्व करने का प्रयास किया है प्रत्येक क्वेश्चन बर्ड यानी कि ये जरूरी नहीं है उसे आए या अन्य किसी हेल्पिंग वर्ड से आए इंटेरोगेटिव सेंटेंस सब तरह के क्वेश्चन वर्ड से हो सकता है फर्स्ट देखेंगे वाई इज ही कॉलिंग रवि वह रवि को क्यों बुला रहा है तो वाई अब इसके बाद क्या है आप देखेंगे टेंस है आपका इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस तो पहला सेंटेंस है वाई इज ही कॉलिंग रवि वह रवि को क्यों बुला रहा है तो वाई इज रवि बींग वहन आर द नोट एग्जामिन देशेंट तो वहन लिखेंगे यहां पर क्वेश्चन वर्ड वहन अब पेशेंट से तो उसके अकॉर्डिंग भी क्या आएगा आर आएगा वहन आर द पेशेंट नोट बींग कंटिन्यूस है एग्जामिंड थर्ड फॉर्म हो जाएगी एग्जामिंड नेक्स्ट देखेंगे व्र हैव यू थ्रोन माई डस्टबिन कहाँ हैव यू थ्रोन तुम फेंक चुके हो माई डस्टबिन मेरी डस्टबिन अब देखेंगे यहाँ पर जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट है माई डस्टबिन अब ये टेंस है आपका प्रजेंट परफेक्ट तो where, अब डस्टबिन के अकॉर्डिंग आएगा हेज वेयर हैज माई डस्टबिन बीन थ्रोन बीन का प्रयोग होता बीन बीन थ्रोन वाई यू का ऑब्जेक्ट यू नेक्स्ट हाउ डिड राहुल ड्रा द मैप हाउ डिड कैसे राहुल राहुल ने ड्रा खींचा द मैप मानचित्र अब इस सेंटेंस को जरा ध्यान से देखेंगे पहला है हाउ क्वेश्चन वर्ड तो हाउ सेम लिखेंगे हाउ बाज पास्ट इंडेफिनेट है बाज वर्ग का प्रयोग होगा वाज मैप के अकॉर्डिंग बाज आएगा वाज द मैप ड्रॉन डी आर ए डब्ल्यू एंड ड्रॉन वाई राहुल और सबसे लास्ट में है वाट वाज माई फादर राइटिंग यस्टरडे मेरे पिताजी कल क्या लिख रहे थे तो इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो अपने आप में क्वेश्चन बढ़ ही है तो यहीं से लिखेंगे वाट वाज बींग रिटर्न कंटिन्यूस है प्रेजेंट कंटिन्यूस तो वाई वाज बींग रिटर्न क्या लिखा जा रहा था यस्टरडे कल बाय माई फादर मेरे पिता के द्वारा तो सही करेक्शन होगा वाट वाज बींग रिटर्न बाई माय फादर यस्टरडे या एस्टरडे बाई माय फादर स्टूडेंट्स इस तरह ये अनेक प्रकार के क्वेश्चन वर्ड इन सेंटेंस में थे कुछ मॉडल वर्ड्स के हेल्पिंग वर्ड्स थे कुछ मॉडल वर्ड्स के थे और अनेक प्रकार के क्वेश्चन वर्ड इसमें यूज हुए थे इन दिस वीडियो आई हैव सोल्ड दीज एग्जाम्पल आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो और आगे आपका और भी कोई डाउट हो तो यू विल राइट इन कमेंट बॉक्स Thanks student. May God bless you. May you pass in your examination.